आधुनिक चिकित्सा के दौर में सभी बेहतर सुविधाओं वाला जेड के इंडियन हॉस्पिटल निया आजाद नौरंग इंटर कॉलेज रोड सेतला नवाबगंज बरेली में, जहां पर डॉक्टर अंजुम रशीद फारूक की MBBS के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा छाती रोग, हृदय रोग, शुगर रोग, गठिया, साइटिका, बच्चों एवं बड़ों में सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया होना, शरीर में सूजन होना, मिर्गी, पागलपन, हिस्ट्रिया जैसे समस्त रोगों का बेहतर इलाज किया जाता है। वही पेट, छाती, पित्त की थैली एवं गुर्दे की पथरी, हर्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, पेशाब से खून आना, स्तन की गांठ, समस्त प्रकार के हड्डी के रोगों के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा के अलावा सभी प्रकार के गुप्त रोग एवं निसंतान रोगियों का सफल इलाज किया जाता है। वही स्त्रियों में सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा त्वचा रोग, नाक, कान व गला एवं आँखों के समस्त प्रकार के रोगों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। जेड के इंडियन हॉस्पिटल में डॉक्टर अंजुम रशीद फारूकी MBBS, डॉक्टर पवन गंगवार MBBS MS, डॉक्टर MY अंसारी MBBS MS, डॉक्टर नाजिश MBBS MS गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर इस्तेकार फिजियोथेरेपिस्ट आदि की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। जेड के इंडियन हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए प्रशिक्षित स्टाफ एवं इमरजेंसी सेवाएं और एम्बुलेंस सेवा, 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा, एक्सरे की सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा, खून एवं पेशाब की समस्त प्रकार की जांचों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी देते हुए जेड के इंडियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अंजुम रशीद फारूकी ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अंजुम रशीद फारूकी MBBS, डायरेक्टर जेड के इंडियन हॉस्पिटल नियर आजाद नौरंग इंटर कॉलेज, मेन रोड सेतल। डॉक्टर साहब, आपके इंडियन हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, हमारे हॉस्पिटल में एक तरीके से हमने कोशिश की है, हर चीज़ को हम यहाँ मुहैया कराने की कोशिश है। एक जैसे कि हमारे बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो ऑन द वे, मतलब रास्ते में कहीं पर भी एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे यहाँ से कोई मरीज बरेली के लिए निकला, रास्ते में एक्सपायर हो जाता है, तो यह हमारी सबसे पहली कोशिश ये है कि हम उन लोगों को कम से कम बरेली तक पहुँचाएँ, ताकि वो सही समय पर वहाँ पहुँचें और उनको इलाज ठीक मिल सके। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा OT भी बनाया है, जिसमें हमने कोशिश की है, हमारे डॉक्टर यासीन सर्जन हैं जिनसे हम यहाँ पर केस करवाएंगे। और हमने यहाँ पर 20 बेड का जनरल वार्ड भी बनाया है, अपना एक इमरजेंसी भी दी है। और हमारी ये कोशिश है कि एक डॉक्टर कम से कम यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, जिससे किसी को भी कभी भी कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो उसको एक यहाँ पर सही और सस्ता इलाज मिल सके। डॉक्टर साहब, आपके जेड के इंडियन हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टरों की सेवाएं दे रहे हैं? जी, हमने यहाँ पर एक सही और अच्छा पैनल बनाने की कोशिश की है, जिसमें मैं डॉक्टर अंजुम रशीद फारूकी MBBS UPUMS FI से मैंने किया है। इसके अलावा मैं तो यहाँ पर 24 घंटे रहूँगा, कभी भी कोई दिक्कत आती है, मैं अगर यहाँ नहीं भी हूँ तो मैं यहाँ पर आकर अटेंड करूँगा पेशेंट को। इसके अलावा हमारे पास सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद यासीन, MS जनरल सर्जन एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है वो। और हमारे यहाँ पैनल में संडे को अवेलेबल रहेंगे डॉक्टर पवन गंगवार, जो MS ऑर्थो हैं। और हमारे यहाँ पर गायनी की डॉक्टर हैं डॉक्टर नाजेश, जो जिनसे अभी मतलब कन्फर्म नहीं है उनका, लेकिन और दो जगह भी बात चल रही है कि एक MS गायनी को हम यहाँ पर अवेलेबल रखें संडे को, या LSCS वगैरह भी होते हैं ऑपरेशन, तो उसमें वो हमारा सहयोग दें। इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे पास डॉक्टर मुजीबुर रहमान, MBBS MD हैं वो। और हमारे पास डॉक्टर इस्तेखार भी हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड इस समय हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, आपके जेड के इंडियन हॉस्पिटल में कौन कौन से विभाग हैं? हमारे जेड के इंडियन हॉस्पिटल में फ़िलहाल तो अभी 4 विभाग हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सारे विभाग यहाँ कंप्लीट दे सकें। अभी हमारे पास जनरल मेडिसिन का विभाग है, जिसको मैं खुद देख रहा हूँ, डॉक्टर अंजुम रशीद फारूकी। और हमारे पास सर्जरी विभाग है, जिसमें डॉक्टर यासीन है, MS है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन करते हैं। हम यहाँ पर दूरबीन वाला भी ऑपरेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे में ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं जो ऑर्थो विभाग से हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपी विभाग भी है, हमारे पास पैथोलॉजिस्ट विभाग भी है, और हमारे पास स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी है डॉक्टर नाजेश। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे हॉस्पिटल में एक तो एडवांस डिजिटल एक्सरे की सुविधा है 24x7 hours, मतलब 24 घंटे हर दिन यहाँ पर वो सुविधा रहेगी। दूसरी हमारी यहाँ सुविधा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सप्लाई हमने पूरी फिट करवा रखी है, और वो हर वार्ड में हमारी ऑक्सीजन सप्लाई फिट है।
दूसरी सुविधा हमारे पास पैथोलॉजी, हम खून की, पेशाब की, किसी भी तरीके की सारी जांचें हम यहाँ पर मुहैया कराएंगे सस्ते और सही रेटों में आपको। और दूसरी बात, हमने जनरल वार्ड एसी वाला बनाया है जिससे मरीजों को कम दिक्कत होगी और उनको उपचार में आसानी रहेगी। और ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है इस क्षेत्र का जिसके पास अपनी ओटी है, एक ऑपरेशन थिएटर है जो यहाँ पर सर्जरी करवा लगेगा। और दूसरी बात है, हमने 2 बेड का एक पोस्ट ऑप कम आईसीयू बनवाया है जिसमें हम गंभीर रूप से बीमार पेशेंट को वहाँ पर एडमिट करेंगे। हमने अपने हर बेड पर एक 5 पैरा मॉनिटर दिया हुआ है जिससे हम उनकी सारे वाइटल्स की मॉनिटरिंग करेंगे सही से। और दूसरी बात, हमारे पास 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी की सेवा उपलब्ध है। वहाँ पर आपको एक डॉक्टर मिलेगा वहाँ पर जो आपको अटेंड करेगा, आपकी बीमारियों को समझेगा और उसको सही उपचार दिया जाएगा। और मौका पड़ने पर हम किसी को भी ऑन कॉल बुला सकते हैं उस समय। नेबुलाइजर की हमारे यहाँ सुविधा है, हमारा मेडिकल 24/7 खुला रहता है, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जी, बाहर की जो जांचें होती जी, जैसे कि सीटी स्कैन है जी, जी, तरह तरह की जो जांचें मुख्तलिफ जो यहाँ पर नहीं हो पाती जी, जी, उन पर किस तरह की रियायत यहाँ मरीजों को आप दिलवाएंगे अपने माध्यम से? जी, अभी तो ये है कि ये पेशेंट के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है कि आप जहाँ चाहें आप वहाँ जा सकते हैं, हम वहाँ कॉल कर देंगे आपके लिए कि आपको कोई भी मतलब वहाँ परेशानी ना हो। और अभी एक कोशिश और है कि डायग्नोस्टिक सेंटर सेतल को दिया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े। अब देखिए, यहाँ पर गायनी का केस शुरू हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए होंगे, तो अब पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर जाएगा, फिर दिखाने के लिए यहाँ आएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि एक हम डायग्नोस्टिक सेंटर सेतल को बहुत जल्द दें। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी के बाद अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, इसमें कई तरह के संक्रामक रोग डेवलप होते हैं जी, इनसे बचाव के लिए आदमी को किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए और किस तरह का इलाज इसमें जरूरी है? एक्चुअली सर क्या है, देखिए जो ये बदलता मौसम है, जैसे मान लीजिए गर्मी से अब थोड़ा ठंडा हुआ, उमस बढ़ी है, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, तो जितने भी इन्फेक्टियस बैक्टीरिया हैं, जैसे मान लीजिए आप साल्मोनेला टाइफी है, ये टाइफाइड कॉजिंग कराता है, तो ये वाले जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हैं ये एक्टिव रहते हैं और इनको सुटेबल कंडीशन मिलती है बॉडी में ग्रो करने के लिए। अब आप देखिए, स्किन वाली जितने भी इन्फेक्शन हैं, दाने हैं, फोड़े फुंसी निकलना है, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। पेट के इन्फेक्शन बहुत होते हैं इस समय, टाइफाइड है, डेंगू है। अब आसपास मच्छर पैदा होते हैं, जितने भी मच्छर से द्वारा फैलाए गए रोग होते हैं वो सारे इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें करना क्या है, अपने आसपास पानी में ही इकट्ठा होने देना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, खाने से पहले आपको हाथ धोना है, खाना बनाने से पहले हाथ धोएं, घर की माताएं बहनें, और कोई भी चीज़ हम बिना धोने नहीं खाएं उसको, क्योंकि ये समय जो है सबसे ज़्यादा प्रोन है आपके इन्फेक्शन के लिए और हर तरीके का इन्फेक्शन फैलता है इसमें। पेट का इन्फेक्शन होगा, डेंगू होगा आपको, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, जितने भी बैक्टर बॉर्न डिसीज है, मतलब कि किसी भी कीड़े से या किसी भी जानवर से जो फैलती है, उनके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बचाव करना होगा, अपने आप को साफ़ रखना है, अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखना है। थैंक यू।